नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव, और शुरुआत करेंगे उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ जो सफाई से इस वक्त हमारे पास है। शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं को निर्देश है, मीडिया में न जारी करें किसी भी तरह का बयान। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा है, जरूरत होने पर मैं और अखिलेश संयुक्त बयान जारी करेंगे। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कही है। वो कहते हैं कि मीडिया में न जारी करें किसी भी तरह का बयान, जरूरत होने पर मैं और अखिलेश संयुक्त बयान जारी करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है शिवपाल यादव ने। ये बड़ी बात, ये बड़ी खबर। नितिन उपाध्याय फोन लाइन पर है। नितिन, आप लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और कार्यकर्ता अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे, अपनी भावनाएं एबीपी गंगा के सामने रख रहे थे, लेकिन अब शिवपाल कह रहे हैं कि वो ऐसा न करें। कारण इसका क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, इसका जो कारण है वो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, ताकि जो परिवार में एकजुटता आई है वो प्रभावित हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब का जो मीटिंग एसएस मेमोरियल कॉलेज में जस्ट 2 मिनट पहले खत्म हुई है, तमाम कार्यकर्ता बाहर निकले और हमने उनको अप्रोच किया, तो तमाम कार्यकर्ताओं ने मैं काफी उत्साह जोश नजर आया और बोले। वो उनकी शिवपाल जी की जो नसीहत थी, उनका वो निर्देश था, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा है तो एबीपी गंगा के कैमरे पर खूब बोले हैं। और उनका ये कहना है कि शिवपाल जी ने ये कहा है कि एकजुट हो जाइए, पूरी तरह से जुट जाइए, हर हाल में सिलेक्शन को निकालना है। और करीब 2 घंटे ये मीटिंग चली है एसएस मेमोरियल कॉलेज में, और जिसमें आपके सैफई ब्लॉक, आपका शाखा ब्लॉक, आपका बसेहर ब्लॉक के ही जो कार्यकर्ता है उनके साथ मीटिंग ली है। और उसके बाद अभी भी एसएस मेमोरियल जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, शिवपाल सिंह यादव का ही फार्मेसी कॉलेज है, उसमें इस समय शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं। और उन्होंने तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक बॉस की तरह। और हर बार ये देखा गया है कि मैनपुरी में जो इलेक्शन होता था लोकसभा का, नेताजी जिसमें ज्यादातर बार लड़े हैं, उस चुनाव में पूरा जिम्मेदारी ही शिवपाल सिंह यादव उसकी संभालते थे, क्योंकि वो मैनपुरी के एक एक कहा जाए कार्यकर्ता को नाम से, चेहरे से, गाँव के हर चीज को, उनका वहाँ का सामाजिक समीकरण और वहाँ की जो पूरा कहा जाए लोकल इशू सबको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव कोई उनकी कहा जाए ताकत का उनको अंदाजा था, और जब 1 घंटे आज मीटिंग हुई है और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ दोनों लोग एक साथ जब आए, मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग एसएस मेमोरियल कॉलेज में ली है और अब वो भी मीटिंग ओवर हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ एक साथ वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जबरदस्त रहा है, उनसे बात की, उनका ये कहना है कि जल्द ही हम लोग सब साथ में आएंगे, जो नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, बड़े कार्यक्रम नहीं। ठीक है नितिन, आपकी बात आ गई, आपकी जानकारी महत्वपूर्ण है इस मोड़ पर, बहुत धन्यवाद। तो कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव ने निर्देश दिया है कि वो मीडिया में बात या बयान जारी न करें, अगर आवश्यकता हुई तो वो और अखिलेश एक साथ मीडिया के लिए कोई बयान जारी करेंगे। इससे पहले आज अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर करीब 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की, और इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश यादव की शिवपाल यादव से इस मुलाकात के गहरे मायने हैं। पहले अखिलेश और डिंपल ने चाचा शिवपाल से फोन पर बात की, फिर तेज प्रताप यादव को मिलने भेजा। धर्मेंद्र यादव के पिता और शिवपाल के बड़े भाई अभय राम यादव ने उन्हें डिंपल के समर्थन के लिए समझाया। इन सब के बावजूद शिवपाल सिंह यादव की तरफ से डिंपल के समर्थन को लेकर कोई साफ संदेश सामने नहीं आया था। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने खुद शिवपाल से मुलाकात की और शिवपाल के साथ ही आदित्य के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की, तो साफ हो गया कि अब चाचा भतीजे के सियासी रिश्ते के बीच जमी बर्फ पिघल चुकी है और शिवपाल डिंपल यादव के लिए प्रचार कर सकते हैं। अखिलेश ने अपने ट्वीट में शिवपाल का जिक्र घर के बड़े के रूप में किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। डिंपल यादव ने भी इस मुलाकात की तस्वीरों को इन्हीं शब्दों के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, और इससे साफ है कि अब मैनपुरी उपचुनाव से पहले मुलायम परिवार के अंदर चल रही खींचतान लगभग समाप्त हो चुकी है। शिवपाल का डिंपल के समर्थन में खुलकर आना मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मुकाबले को बहुत दिलचस्प बनाने वाला है। यही तस्वीर अखिलेश यादव ने ट्वीट की, इसको बाद में डिंपल यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और शब्द दोनों के वही थे, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद।
तस्वीर के साथ। तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और उनके पुत्र आदित्य यादव। भाजपा वो तोड़ना चाहती, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के उनके दिलों को तोड़ना चाहती, वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहती, वो राजनीतिक दलों को तोड़ना चाहती है, वो परिवारों को तोड़ना चाहती है। आज की तस्वीर को देख के भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर टूट गया होगा। आने वाले दिनों में आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी का प्रचार करेंगे। सपा प्रवक्ता का बयान आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। खतौली सीट पर कुछ ही देर में राजकुमारी सैनी नामांकन करेंगी, भाजपा के प्रत्याशी हैं वहां पर, और उससे पहले भाजपा नेताओं की एक रैली हुई वहां पर और ब्रजेश पाठक सहित भाजपा के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। खतौली में फिर से जीत का दावा किया गया, ये बड़ी खबर। खतौली में रैली हुई, अभी थोड़ी देर में नामांकन करेंगी राजकुमारी सैनी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है वहां पर, और उसमें ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया जो कि डिप्टी सीएम है, वो खुद पहुंचे हैं नामांकन के लिए वहां पर। और इसके अलावा वहां पर कई दिग्गज भाजपा के नेता और मंत्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ खतौली पहुंचे थे, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि खतौली उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक ओटर से चुनाव जीतेगी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और आप देखेंगे खतौली की जनता ने मन बना लिया है और बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल करके नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ ऐतिहासिक ओटर से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं और यहां रह करके प्रचार कर रहा हूं। यहां प्रचार कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने आप देख रहे हैं कि मदन भैया को उतारा है और यहां एक बात चले, एक तरफ अगर हम बात करें कि भाई एक तरफ बाहुबली की बात की जा रही है और एक तरफ जो महिला है। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे, बदमाश, कानून तोड़ने वालों को, असामाजिक तत्वों को प्रदेश के बाहर कर दिया है और या जेल भेज दिया है। हम किसी भी असामाजिक तत्व को पनपने नहीं देंगे। हमारी सरकार सभी लोगों से वादा करती है, खतौली के लोगों से वादा करती है, उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से खड़े हैं और खतौली की जनता को निर्भय होकर मतदान करना है। अच्छा, पिछली बार जो रहा कि भाई 2017 की बात करें, 2022 की बात करें और फिर उपचुनाव हो रहा तो हैट्रिक लगा पूरी तरह से भाजपा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा विकास है और सबसे बड़ी बात है लोगों को हम कानून का राज और अच्छा देने वाले हैं। और अच्छा देने वाले हैं। क्या मुजफ्फरनगर दंगा भी यहाँ पर मामला है? इस बार एनसीआरबी के आंकड़े, एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हमारी सरकार ने लोगों को दंगा मुक्त, भय मुक्त समाज देने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीधा कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव हम बहुत मजबूती से जीतेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रदेश है उसको दंगामुक्त प्रदेश बताया गया है, तो विकास के मुद्दे पर और तमाम चीज़ों के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। और उनका सीधा ये कहना था कि जो विकास है वो इतना किया गया है और बाहुबली नाम का कोई शब्द नहीं है, चूँकि अब प्रदेश में योगी की सरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। और खतौली उपचुनाव में कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश्वती ने भी नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेश्वती देवी ने वहां पर नामांकन दाखिल किया। कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश्वती देवी ने कैसे नामांकन किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंची, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। अब इसका चुनावी समीकरणों पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये डेवलपमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सरस्वती देवी ने वहां पर अपना नामांकन दाखिल किया है। कवाल कांड में मारे गए गौरव की माता जी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे, नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना का नामांकन दाखिल हो गया है रामपुर के लिए, रामपुर सीट के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसके बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। रामपुर में इतिहास बदलेगा और कमल खिलेगा, ये दावा किया आकाश सक्सेना ने नामांकन दाखिल करने के बाद। तस्वीरें उस वक्त की जब आकाश सक्सेना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, भाजपा की भगवा टोपी आप देख सकते हैं और इस तरीके से उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर सौंपा अधिकारी को।
इसके बाद दावा के इतिहास बदलेगा और भाजपा का कमल खिलेगा, ये दावा आकाश सक्सेना की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना नॉमिनेशन कराने के बाद बाहर आए हैं। आकाश भाई, नॉमिनेशन आपने करा दिया, क्या तैयारी है? बस नामांकन हो चुका है और बिगुल बच चुका है और ईश्वर ने चाहा अब भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर विधानसभा में खिलने जा रहा है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हमारा प्रमुख मुद्दा रोजगार का है। रामपुर को रोजगारों से बर्बाद करने का काम जिस आदमी ने किया है, आज वक्त आ गया है कि रामपुर के युवाओं को जागना पड़ेगा। और रामपुर में वाकई अब क्रांति आ चुकी है और हम रामपुर में उद्योग रूपी क्रांति लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। किस पार्टी से मुकाबला है आपका? किसी से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये सबको पता है और ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। पिछले 45 सालों से आजम खान या उनके परिवार के लोग लड़ते थे इस सीट पर, इस बार आजम खान के परिवार से कोई नहीं है, तो किस तरह की लड़ाई होगी? अब इस चीज का जवाब तो कल, अभी नामांकन पूरा होने दीजिए, अभी 24 घंटे हैं, अभी देखिए क्या क्या होता है। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है आप? 500%। समाजवादी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, मुन्ना मशकून ने भी नॉमिनेशन, उनके घर की बात है, ये उनका जाने, हमें इससे क्या मतलब है। देखिए, ये है आकाश सक्सेना जो अभी अभी अपना नॉमिनेशन कराने के बाद बाहर निकले हैं। उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो रामपुर में खिलेगा। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। इस बीच रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि इस बार लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी रामपुर में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इस बार भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। सांसद घनश्याम लोधी पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेने रामपुर पहुंचे थे। जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आज नामांकन करा रहे हैं और उससे पहले यहां पर रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम लोधी जी पहुंचे हैं। घनश्याम जी, ये बताइए, आज नामांकन हो रहा है, क्या तैयारी है भाजपा की इस उपचुनाव को लेकर के? देखिए, तैयारी कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे जो रामपुर के जो सांसद जो हमें मिले हैं, जो रामपुर की आन, रामपुर की शान, रामपुर की जो हमें जो प्रतिष्ठा मिली है रामपुर को, तो मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य रामपुर वालों के लिए, क्योंकि रामपुर वालों के लिए लड़ते रहे वो। और पार्टी ने जो निर्णय किया है बड़ा स्वागत योग्य है और हम उसका सब लोग स्वागत करते हैं। आज से लड़ाई हमारी शुरू है, क्योंकि आज सब नामांकन करने जा रहे हैं और सब बड़ी भारी संख्या में सब लोग नामांकन पहुंच रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ में आपने सेंध लगा दी थी, जीत गए थे। आप आकाश सक्सेना विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं शहर सीट पर, इस पर क्या उम्मीद आप करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर रामपुर में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? देखिए, पहले उपचुनाव हुआ तब भी कमल यहाँ खिला था, आज उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर है ना आकाश सक्सेना जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं, पहले कहते थे लोग गढ़ है, यहाँ किसी का गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। सांसद रामपुर के घनश्याम लोधी जो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा ने यहाँ पर कमल खिलाया था रामपुर में, उसी तरह से एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा जो है कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। उबैदुर रहमान। और तस्वीरें मिल रही हैं हमें खतौली से, राजकुमारी सैनी वहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। ये देखिए बीजेपी की उम्मीदवार राजकुमारी सैनी और ये देखिए डॉक्टर संजीव बालियां जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ हैं। कपिल देव अग्रवाल को भी आप साथ देख सकते हैं, वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। और इस तरीके से राजकुमारी सैनी जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है, जिनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो देखिए नामांकन पेपर अपने नामांकन पत्र अपना दाखिल करने के लिए, अधिकारी को सौंपने के लिए वहां पर पहुंची हैं। दाहिनी और बाईं ओर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, और ये इस बात का सूचक, इस बात का ये प्रतीक है कि कितनी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए। तो मैसेज क्या, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले की ये सीट है खतौली विधानसभा की, और 2017 में भी भाजपा यहां पर जीती, 2022 के चुनाव में भी जीती, लेकिन फिर सदस्यता रद्द हो गई। और अब देखिए जब उपचुनाव हो रहे हैं तो जिनकी सदस्यता रद्द हुई विक्रम सैनी, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी वहां पर पहुंची हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए। और देखिए श्रीमती राजकुमारी, ऐसे लिखा हुआ है उनके बारे में, आज की तारीख है और आज ही नामांकन की आखिरी तारीख भी है, तो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची हैं डॉक्टर संजीव बालियां जो कि सांसद हैं उस क्षेत्र से, कपिल देव अग्रवाल इसी क्षेत्र से मंत्री हैं, और ये दोनों वहां पर मौजूद उनके साथ इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान। ये मैसेज
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये मैसेज वहाँ के वोटर्स को, और ये बहुत मजबूत मैसेज कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, ये तस्वीरें इस बात की प्रतीक हैं। गंभीर चुनौती देने वाले दल भी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री दोनों का वहां पर नामांकन के दौरान रहना, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर। राजकुमारी सैनी बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में, पत्नी है विक्रम सैनी की, जिनकी सदस्यता रद्द हुई कवाल कांड में सजा मिलने के बाद 2 साल की, और जब चुनाव घोषित हुए तो वही उम्मीदवार बनाई गई। विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची है, और बीजेपी इस के जरिए मंत्रियों को भेजकर वहां पर एक बहुत बहुत मजबूत संदेश देने का प्रयास कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होता है ये भविष्य बताएगा, लेकिन 5 दिसंबर को जब मतदान होगा तो उस दौरान ये तस्वीरें मायने रखेगी। सनु शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। सनु, जो आप देख रहे हो और महत्वपूर्ण बात नोटिस कर रहे हो वो हमारे दर्शकों को बयान करें। देखिए, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी, उन्होंने अपना जो नामांकन पत्र है वो दाखिल कर दिया है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो भी उनके साथ हैं, और इसी के साथ ही जो यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, वो भी साथ हैं, और जो तमाम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो फौज है वो आज यहाँ खतौली चुनाव के लिए उतार दी गई है। आप खुद सोचिए कि नॉमिनेशन करने से पहले यहाँ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं एक चुनाव को एक नई धार, सियासी तापमान को आज और चढ़ा दिया है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कई मंत्रियों की जो फौज है वो यहाँ पर उतारी गई है, तमाम सांसदों की बात हो, विधायकों की बात हो, मंत्रियों की बात हो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस चुनाव को, उसको छोटा चुनाव नहीं, इसको एक और अहम चुनाव मानकर चल रही है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जैसे भी हो हैट्रिक लगाई जाए, क्योंकि 2017 में विक्रम सैनी यहाँ से बीजेपी के चुनाव जीते, 2022 में वो यहाँ पर चुनाव जीते, और अब जब उपचुनाव हो रहा है तो उनकी पत्नी को यहाँ से, राजकुमारी सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के नेताओं का सीधा कहना है कि यहाँ जो जीत है वो बीजेपी की होगी और यहाँ कोई सामने मुकाबले में है ही नहीं। अब आप ये देखिए कि तमाम नेताओं की फौज और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, तो ये देखा जाए कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, आज बीजेपी ने भी धुआंधार प्रचार करने का एक तरीके से ऐलान यहाँ पर कर दिया है। आज यहाँ के जो रण में है, रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पहुंच गए हैं, पूरा लाव लश्कर लेकर यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए राजकुमारी सैनी यहाँ पर पहुंची है। पूरी कोशिश, पूरी ताकत, पूरी सरकार और संगठन जिस तरीके से मिलकर इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ पर डेरा डाले हुआ है, उससे साफ हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे यहाँ पर बड़ी जनसभाएं, बड़े नेताओं का आना जाना रहेगा। गांव गांव, गली गली कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। कई कई गाँवों की जो जिम्मेदारी है वो मंत्रियों को यहाँ पर दी गई है, और तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर अब डेरा डाले रहेंगे। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की बात हो तो राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ जो साहब मदन भैया है उनको मैदान में उतारा है, और बीजेपी ने यहाँ से राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। और यहाँ देखिए, मुद्दे तमाम हैं, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, दोनों पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र है वो भी आज बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर किया, और इसी के साथ ही जो बाहुबली शब्द है वो बाहुबली शब्द यहाँ पर खासा चर्चा में है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी है मदन भैया, उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के तौर पर होती है, और ऐसे में यहाँ बाहुबली मुद्दा छाया रहा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये कहा कि निर्भीक होकर वोट करें, बाहुबली नाम का शब्द कोई बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से योगी राज में यहाँ सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, महिला सुरक्षा पर सरकार का खास फोकस रहा है, तो या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या जेल में है, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई। तो बाहुबली शब्द को लेकर पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल को घेरते हुए जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मंत्री है, वो यहाँ पर नजर आए। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की बात करूं तो जिस वक्त मंच से बोल रहे थे तो उनका ये कहना था कि बाहुबली क्या होता है, मुजफ्फरनगर के तो हर घर में बाहुबली होते हैं, इसलिए कोई डरने वाला नहीं, कोई घबराने वाला नहीं, कितने हथियार लेकर साथ चले, कितने लोगों को साथ लेकर चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुजफ्फरनगर के घर घर में बाहुबली है। तो बाहुबली मुद्दा यहाँ पर भी छाया रहा, और जो ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम, उन्होंने चुटकी ली और एक शायराना अंदाज भी यहाँ उनका देखने को मिला। उन्होंने गाने का जिक्र किया कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख की सुबह की गाड़ी से आप चले जाओगे। नाम तो मदन भैया का नहीं लिया, लेकिन पूरा जो कटाक्ष था वो
राष्ट्रीय लोकदल पर था, जयंत चौधरी पर था, मदन भैया पर था, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए जो खतौली का उपचुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, कितना अहम चुनाव है और बीजेपी यहाँ पर फिर से कमल खिलाने के लिए बिल्कुल कसर बाकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सनुज के इन नेताओं की मौजूदगी, ये जनसभा, उप मुख्यमंत्री का जाना, इस प्रकार का लाभ लश्कर, ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी गंभीर है इस उपचुनाव को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।